नमस्कार दृष्टि है सबसे पहले पिछले सेशन का रीकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न है चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है इसका सही जवाब है जुरोंग अगला प्रश्न है चर्चा में रही माउई डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड अगला प्रश्न है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल किस माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है इसका सही जवाब है अप्रैल अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में चिकित्सा आपूर्ति और समर्थन के लिए 135 करोड़ रुपए देने की बात कही है इसका सही जवाब है गूगल अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए यूके के मेट ऑफिस ने किसके साथ मिलकर काम किया है इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट अगला प्रश्न है एनजैक दिवस किन दो देशों के बीच मनाया जाता है इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में दो बीटल प्रजातियों की खोज हुई है इसका सही जवाब है महाराष्ट्र अगला प्रश्न है हाल ही में खगोल विदो ने सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है इसे क्या नाम दिया गया है इसका सही जवाब है यूनिकॉर्न अगला प्रश्न है किस राज्य ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश अंतिम प्रश्न है सीप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों द्वारा सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है इसका सही जवाब है तीसरा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सैतालीसवा अड़तालीसवा उनचास या फिर पचासवा इसका सही जवाब ऑप्शन सी उनचासवा चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत को उनचासवा स्थान प्राप्त हुआ है यह है इंडेक्स एक वार्षिक सूचकांक है जो दुनिया भर में 104 सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए बनाया गया है सी को एक निजी गैर लाभकारी संगठन चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है सी सूची में फिनलैंड सबसे ऊपर है जिसमें प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा बिंदुओं पर मापा जाता है सूचकांक में सात मुख्य बिंदु हैं: नेतृत्व और दूरदर्शिता मजबूत कानून और नीतियां मजबूत संस्थान वित्तीय प्रबंधन आकर्षक बाजार वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा और लोगों की मदद करना तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी उनचासवा हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश आज के सेशन का पहला प्रश्न है चर्चा में रहे सुमात्रन राइनो को आई की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है वर्नरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटन्ड इसका सही जवाब ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रो आई यू की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है सुमात्रन राइनो सभी राइनो प्रजातियों में से सबसे छोटा है सुमात्रन राइनो अब सुमात्रा और बोर्नियो के इंडोनेशियाई द्वीपों पर दस हजार वर्ग मील के वर्षावनों में केवल चार अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगला प्रश्न है हाल ही में श्री राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय इसका सही जवाब ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 में निहित अधिकारों के तहत नियुक्ति की है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कराधान संवैधानिक मामलों दीवानी और सेवा मामलों के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय अगला प्रश्न है हाल ही में श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी विज्ञान साहित्य सिनेमा या फिर खेल इसका सही जवाब ऑप्शन बी साहित्य श्रीमती सुमंगला साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी वह मलयालम की प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखिका थी सुमंगला को बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए 2013 के केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्होंने बच्चों को समझा और उनके लिए कहानियां कलम बद करने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल किया पंचतंत्र और वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से मलयालम में अनुवाद करने के अलावा इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी साहित्य अगला प्रश्न है विश्व कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 25 अप्रैल छब्बीस अप्रैल सत्ताईस अप्रैल या फिर अट्ठाईस अप्रैल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अट्ठाइस अप्रैल विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है इसकी थीम एंटीसिपेट प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलियंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 में इस दिवस को शुरू किया गया था इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को टालना एवं बीमारियों की रोकथाम है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 28 अप्रैल अगला प्रश्न है किस देश ने भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए वायुसेना के विमानों को तैनात किया है अमेरिका फ्रांस सिंगापुर या फिर यू इसका सही जवाब ऑप्शन सी सिंगापुर सिंगापुर ने भारत में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति के परिवहन के लिए अपने दो वायुसेना के विमानों को तैनात किया है पिछले साल भारत ने आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का निर्यात करके दुनिया और सिंगापुर की मदद की पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना के विमानों ने आपातकालीन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिंगापुर के साथ साथ अन्य देशों के लिए भारत से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को भारत सरकार ने जैविक प्रमाण पत्र दिया है लक्ष्य द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुदुचेरी या फिर जम्मू और कश्मीर इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत सरकार ने अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैनकोवरी द्वीप समूह के चौदह हजार चार सौ इक्यानवे हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दिया है यह है क्षेत्र पी इंडिया कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन यानी एल योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगला प्रश्न है आदित्य एल वन सपोर्ट सेल की स्थापना किस राज्य में की गई है हिमाचल प्रदेश गुजरात कर्नाटक या फिर उत्तराखंड इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड आदित्य एल वन सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में की गई है यह इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का संयुक्त प्रयास है इससे भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य एलवान से मिलने वाले सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण उपयोग किया जा सकेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी उत्तराखंड अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व क्रिकेटर को मैच फिक्स की कोशिश के लिए छह साल का बैन लगाया गया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका या फिर पाकिस्तान इसका सही जवाब ऑप्शन ए श्रीलंका पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर नुवान जोएसा को मैच फिक्स करने की कोशिश के लिए सभी तरह के क्रिकेट से छह साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है नुवान जोयसा लेफ्ट आर्म सीमर थे वह श्रीलंका ए टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर चुके हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए श्रीलंका अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने थ्री प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से घर बनाया आई दिल्ली आई मद्रास आई मुंबई या फिर आई कानपुर इसका सही जवाब ऑप्शन बी आई मद्रास आई मद्रास की स्टार्टअप ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया इस घर का निर्माण हैबिटेट फॉर ह्यूमेनिटी टेर विलिंगर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के सहयोग से किया गया है इस तकनीक से परंपरागत निर्माण की तुलना में निर्माण लागत करीब 30 प्रतिशत घटेगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास अंतिम प्रश्न है पांचवी पीढ़ी की पायथन पांच एयर टू एयर मिसाइल यानी ए एम को सफल परीक्षण के बाद किस एयरक्राफ्ट में जोड़ा गया अपाचे हेलीकॉप्टर राफेल तेजस या फिर सुखोई इसका सही जवाब ऑप्शन सी तेजस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में पांचवी जनरेशन की पाइथन फाइव एयर टू एयर मिसाइल को जोड़ा गया है डीआरडीओ के अनुसार इस ट्रायल का उद्देश्य तेजस पर पहले से ही एकीकृत डरबी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर एएएम की बड़ी हुई क्षमता का आकलन करना है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी तेजस अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की एशियाई विकास आउटलुक एडीओ 2021 रिपोर्ट कौन जारी करता है विश्व बैंक विश्व आर्थिक मंच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियाई विकास बैंक इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ